हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई थिंक एक हफ्ता हो गया है, एक लास्ट वीडियो मैंने जब निकाली थी अपने वीडियो गेम सेटअप को लेके, और उसके बाद मैंने बताया था कि आई विल कम बैक विद सम न्यू अनबॉक्सिंग ऑफ सम न्यू गेम्स एंड सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वीडियो एडिटिंग और द गेमिंग सेटअप। तो लास्ट वन वीक वॉज रियली टफ फॉर मी, सो आई कुड नॉट कम बैक एंड रिकॉर्ड एनी वीडियो। आई वॉज स्टक विद दिस फेमस डिजीज कोरोना, सो थैंक गॉड आई एम सेफ, कुछ हुआ नहीं मुझे, एंड बट आई स्टिल हैड टू गो फॉर टेस्ट एंड ऑल। So this time in this video, let's talk about 10 things that you should never do or with your PlayStation. So let's talk about the first point. The first point is air ventilation. तो मैंने बहुत बार अपने दोस्तों को देखा है, वो छोटे से बॉक्स में जहाँ पे एयर वेंटिलेशन है नहीं, चारों तरफ तीनों तरफ से बंद है, बस फ्रंट से उसका फ्रंट पोर्शन दिख रहा है प्ले स्टेशन का, तो ऐसे बंद करके रख देते हैं हमने प्ले स्टेशन को। तो ऐसा यू शुड नेवर डू दैट, बिकॉज लाइक योर प्ले स्टेशन ऑल्सो नीड्स द एयर वेंटिलेशन, जो हीट जनरेट होती है दैट ऑल्सो नीड्स सम स्पेस टू कम आउट एंड टू लाइक दैट हैज टू बी केप्ट कूल। तो वो एक ओपन स्पेस में होना चाहिए। ओपन स्पेस का मेरा कहने का मतलब है टीवी ट्रॉली, अगर कुछ आपका टीवी कैबिनेट है या टीवी ट्रॉली है या टीवी यूनिट है, जो भी है, तो उसमें आप एक प्रॉपर स्पेस में टीवी के साइड में आराम से रखिए उसको, कुछ ऐसी स्पेस जहाँ पे वो जो उसकी एयर वेंटिलेशन है, जहाँ उसके फैंस चल रहे हैं, तो वह कूलिंग रहे, नहीं तो भाई प्ले स्टेशन की बन जानी गोभी। सो द सेकेंड पॉइंट इज, आप लोगों का भी यू शुड नेवर पैक। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने प्ले स्टेशन खेला तो उसको तारे निकाली फिर पैक करके रख दिया, यू शुड नेवर डू दैट। ये जो आपके HDMI पोर्ट हैं और बाकी जो पोर्ट हैं जिस वायर्स यहाँ पे प्लग इन होती हैं, वो लूज हो जाएंगे, सो यू शुड नेवर डू दैट। थर्ड पॉइंट विच इज रियली इम्पॉर्टेंट, you should always have a backup, power backup, as in I spoke about the like using of a UPS. जैसे मैं अपने play game setup के साथ एक UPS use करता हूँ, for example हम एक game खेल रहे हैं तो अचानक से power outage होता है तो वो बंद हो जाता है, you should like always have a backup, either connected with the inverter or a UPS, like it's a small investment। आजकल तो 1500-1500 रुपये के UPS आ रहे हैं जो आपको 5 मिनट का बैकअप तो दे ही देते हैं मिनिमम, तो लाइक इतना इन्वेस्ट किया है एक गेम भी, अगर किसी में भी इन्वेस्ट करते हो यू एंड अप स्पेंडिंग 2000 मिनिमम और 1500 और 1000, सो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट ऑन अ UPS एंड कीप इट एज अ पावर बैकअप। नहीं तो अचानक से जिस दिन ये बंद हुआ आपका प्ले स्टेशन, तो उसके अंदर जो पावर जो अंदर केबल्स वगैरह है उसको फूकने का बहुत डर होता है, उसका बोर्ड के फूकने का बहुत डर होता है, सो यू शुड ऑलवेज हैव अ पावर बैकअप विद योर प्ले स्टेशन। द फोर्थ पॉइंट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, यू शुड नेवर, इट्स ऑल अबाउट डिस्क। तो हमारे साथ जो गेम की सीडीज वगैरह होती है, यू शुड नेवर पुश इट इन द डिस्क स्लॉट, जो डिस्क प्लेयर है, क्योंकि वो उसकी एक तो अगर पुश करोगे तो उसकी मोटर खराब होने का बहुत बड़ा डर है, तो उसके साइड में आपने देखा होगा कि एक फेदर टाइप का एक क्लॉथ लगा होता है, तो दैट इज़ देयर टू कीप इट सेफ। द डिस्क वगैरह जो आप अंदर डालते हो तो उसके साथ जो मिट्टी होती है, एनी डस्ट पार्टिकल विच इज माइन्यूट, वो उसको क्लीन कर देता है। एंड अगर आप अपने प्ले स्टेशन को पैक करके रखते हो या बहुत टाइम तक उसको नहीं खेल रहे हो, वो ऑलरेडी प्लग्ड इन है, सो यू शुड ऑलवेज कीप आ डिस्क इनसाइड। मेरे पास एक रैचेट एंड क्लैंक की डिस्क है जो मैंने बहुत सस्ती खरीदी थी, एक मैंने यूज्ड डिस्क खरीदी थी जस्ट इसी पर्पज़ के लिए, मैं खेलता तो उसको हूँ नहीं ऑब्वियसली, तो उस इसी पर्पज़ के लिए मैंने ली थी कि जब भी मैं अपने प्ले स्टेशन 2-3 दिन नहीं खेल रहा, एक हफ्ता नहीं खेल रहा या मैं वेकेशन पे हूँ, तो एक डिस्क ऑलरेडी अंदर उसके है, वो बचाती है सारे डस्ट पार्टिकल्स जो हमारे मोटर में जाके अटक जाते हैं उन चीज़ों से, सो यू शुड ऑलवेज पुट अ डिस्क इनसाइड योर प्ले स्टेशन। फिफ्थ पॉइंट, सो मैंने देखा है अपने दोस्तों को कि वो जब भी प्ले स्टेशन खेल रहे होते हैं तो एक कपड़े से ढका होता है, या उसके नीचे कपड़ा होता है या ऊपर कपड़े से ढका होता है, प्लीज़ नेवर डू दैट। वो लाइक वी स्पोक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, इट नीड्स एयर वेंटिलेशन, उसके साथ जो फैंस चल रहे हैं, जो हीट जनरेट हो रही है स्पेशली इस गर्मी के मौसम में, तो कुछ मतलब ऐसा उसको ढक के अगर रख दोगे तो भाई उसकी तो गोभी बन जानी है। एक मेरे फ्रेंड का प्ले स्टेशन है जो मुझे याद है, उसका हमेशा फैन खराब होता है या उसके प्ले स्टेशन से आवाज़ ऐसी आती है गिच 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 गिच, जैसे फैक्ट्री में बैठे होंगे, तो भाई प्लीज़ मत करो,
कपड़े से ढको जरूर जब प्लेस्टेशन नहीं खेल रहे कि डस्ट उस पर ना जाए, लेकिन खेलते हो उसके नीचे कपड़ा रख दिया या उसके ऊपर कपड़ा रख दिया, तो भाई एक काम करो, प्लेस्टेशन उठा के ऐसे ही फेंक दो, कूड़े में डाल दो, उसको खराब करने का फायदा क्या है, इन्वेस्टमेंट करी क्यों रहे हो इतनी। पॉइंट नंबर 6, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, कि अपने प्लेस्टेशन की जो आईडी पासवर्ड है, क्रेडेंशियल्स है, नेवर शेयर इट विद एनीवन। मतलब दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, दो आई डिड नॉट शेयर माय इंफॉर्मेशन विद एनीवन, बट या आई केम अक्रॉस अ गाय हु वाज ऑफरिंग मी अ फ्री प्लेस्टेशन, फ्री पीएसएन अकाउंट, जिसमें फ्री गेम्स मिल जाएंगे ऑनलाइन। व्हाट ही वाज आस्किंग फॉर इज माय प्लेस्टेशन आईडी एंड द पासवर्ड, दैट आई डिड नॉट शेयर। तो ये जो फ्री ऑफर्स आते हैं, फ्री गेम्स आती है इंटरनेट पे, जहां पे आप अपने क्रेडेंशियल्स डाल देते हैं, सो यू शुड नेवर डू दैट, उसके हैक होने का बहुत बड़ा डर है। पॉइंट नंबर 7, सो इट इज ऑल अबाउट क्लियरिंग द स्पेस। जो जितना भी मतलब आप डिस्क स्पेस ले लो, 500 GB ले लो, 1 TB ले जाओ, अगर फ्यूचर में PS5 जब ऑलमोस्ट लॉन्च हो ही गया है वो, तो अगर उसमें 2 TB या 4 TB का भी आता है, अगर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा के भी उसको मतलब अपने स्पेस एक्सपेंड कर लेते हो, तब भी मतलब यू ऑलवेज फॉल शॉर्ट ऑफ स्पेस। टू क्लियर आउट द स्पेस, वट यू शुड नॉट डू इज नॉट टू डिलीट ऐसी XYZ files, because एक wrong move and your PlayStation will be in brick mode. Brick mode as in भाई वो on होगा और वो चलेगा नहीं, ना वो technically कुछ खराब होगा, ना उसमें कुछ part खराब होगा, it's just a software which you will screw up by deleting one minute very 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 important file. So to prevent that, you should always recommend to PlayStation the Sony website, the PlayStation website, and always check the guides, like to keep the recommended files there. Baki kuda karke delete kar do, matlab jo games end ho chuki hai unko delete kar do, that's the point. Lekin agar aapne ek bhi choti si important file delete kar di, then bhagwan bharose aapka PlayStation wo ho jayega brick mode mein, to kabhi chalega hi nahi. To uske liye you will end up spending money, aap ghafar jaoge ya kahi nearby market mein jaoge, in case you're not in Delhi. So you will end up spending some money, 1000-2000 pe, so better to save it. Like go to PlayStation website, read those articles which are mentioned there, and always check the recommended files that you should delete. So point number 8 is connecting the online games through 2-3 different consoles. For example, Fortnite और बैटल रॉयल सेंसेशन। तो ये गेम्स कुछ ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने प्लेस्टेशन में भी सेम आईडी से लॉग इन कर रखा है, अगर आपके पास एक्सबॉक्स है आपने वहाँ पे भी सेम अकाउंट से लॉग इन कर रखा है, और निंटेंडो स्विच में भी आपने सेम अकाउंट से लॉग इन कर रखा है, तो देर आर चांसेस दैट प्लेस्टेशन विल ब्लॉक योर PSN अकाउंट। लाइक इट्स नॉट मी दैट आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दैट, बट आई हैव रेड दोस आर्टिकल्स एंड आई हैव सीन दैट व्लॉग्स ऑन द इंटरनेट जहाँ पे लोगों ने ये एक्सपीरियंस कर रखा है। सो अवॉइड दैट इन केस यू आर यू आर प्लेइंग द बैटल रॉयल और द फोर्टनाइट ऑन PlayStation, ऑलवेज एंड ऑलवेज क्रिएट अ न्यू एंड अ फ्रेश आईडी टू प्ले दैट ऑन PlayStation। Nintendo Switch और Xbox की आईडी अलग रखो यार, मतलब प्रिवेंशन लेने में क्या ही जा रहा है, उस ब्लॉक होने से तो बच ही रहा है ना। पॉइंट नंबर 9, सो पॉइंट नंबर 9 इज ऑल अबाउट गेटिंग इम्पेशेंट से मेरा मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम अपग्रेड हो रहा है और आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो चल रहा है या फाइल्स बहुत बड़ी हैं, तो इसमें बहुत लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, आइदर जस्ट स्विच इट ऑफ, दे थॉट कि यार बाद में कर लेंगे। और ये हमने फर्स्ट पॉइंट में बात करी थी पावर बैकअप के बारे में, कि पावर बैकअप हमेशा होना चाहिए, अगर बीच में अगर ऐसे सिस्टम अपडेट होते हुए बंद हो गया आपका प्लेस्टेशन, तो यहाँ पे भी आपका प्लेस्टेशन ब्रेक मोड में जाने का बहुत बड़ा खतरा है। अगर आपने सिस्टम अपडेट होते होते ही अपने बीच में बंद कर दिया, तब भी बहुत बड़ा खतरा है, ये ब्रेक मोड में चला जाएगा। तो सिस्टम अपडेट तभी आप करिए जब आपके पास टाइम हो, इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपरली चल रहा हो, तो चेक ऑल दोस थिंग्स एंड देन ऑप्ट फॉर दिस थिंग। सो नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल अबाउट द कंट्रोलर। तो हमने ये चीज़ देखी है, मेरे फ्रेंड ने एक्सपीरियंस किया था, उसका कंट्रोलर ना लैग कर रहा था बहुत ज़्यादा और ढंग से चल नहीं रहा था, तो उस भाई ने नया ऑर्डर कर दिया। तो एक दिन उसके घर में गेम खेलने गया, तो मैंने कहा भाई इसको क्या दिक्कत हो, नया कंट्रोलर भी ऑर्डर कर लिया, कह रहे भाई ये खराब हो गया। तो मैंने कहा भाई इधर दिखा, मतलब दिखने में ठीक लग रहा है, चल भी रहा, थोड़ा लैग हो रहा है। तो अपने प्लेस्टेशन कंट्रोलर के पीछे अगर आप देखो तो छोटा सा स्विच होता है, अगर आप पेपर क्लिप से या अपने आईफोन के साथ एक छोटा सा क्लिप, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के साथ आजकल क्लिप आता है छोटा सा, या उस पर अगर आप प्रेस करो तो वो रीसेट हो जाता है। एक बार ये स्टेप लेके ज़रूर देखिए, उसका मैंने हाथ के हाथ ही वो प्लेस्टेशन कंट्रोलर ठीक कर दिया, भाई के पास दो कंट्रोलर हैं, ज़रूरत ही नहीं उसको दूसरे कंट्रोलर की, खेलने वाला एक ही है, तो फालतू में इन्वेस्टमेंट करके बैठ गया। तो प्लीज़ एक बार ये स्टेप लेके ज़रूर देखिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले।
सो नेक्स्ट पॉइंट, सो दिस इज द मिथ बस्टर. सो हमने हमेशा एड देखते हैं कि एक्सपेंसिव HDMI केबल्स, मतलब ये केबल है 2500 रुपए की, ये है 1500 रुपए की और एक है 400 रुपए की, तो इसमें डिफरेंस क्या है? एक्चुअली इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. तो जितना मतलब एक्स्ट्रा स्पेंड करोगे मतलब कुछ फ़ायदा तो है नहीं. सारी HDMI केबल्स एक ही काम करती हैं. इसके बारे में बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं इंटरनेट पे, बहुत सारे यूट्यूब में ट्यूटोरियल्स बने हुए हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में. प्लीज़ सर्च करिए उनको और देखिए, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. जितनी भी एक्सपेंसिव केबल ले लें आप HDMI, काम वो सिर्फ एक ही करेगी, वो सेम इनपुट और आउटपुट का काम ही करेगी. कुछ भी ना साउंड में डिफरेंस होगा, ना कलर क्वालिटी में डिफरेंस होगा. अगर डिफरेंस होगा तो वो आपके आउटपुट डिवाइस में दिक्कत है. फॉर एग्जांपल टीवी या मॉनिटर आप जिस पे आप गेम खेल रहे हैं या ब्लू रे डिस्क लगा के कुछ आप देख रहे हैं, तो ये सारा जो आउटपुट का खेल होगा ये आपके टीवी पे बेस होगा. इसका HDMI से कोई लेना देना नहीं है. सो दीज वर द पॉइंट्स दैट यू शुड ऑलवेज टेक केयर एंड शुड नेवर डू और विद योर प्लेस्टेशन. सो इन केस आई मिस्ड एनी पॉइंट, सो प्लीज मेंशन दैट इन कमेंट्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल टू गेट द न्यू अपडेट्स. आने वाले टाइम पे आई एम प्लानिंग टू डू द अनबॉक्सिंग एंड द रिव्यू ऑफ द लेटेस्ट गेम्स एंड द अपकमिंग गेम्स एंड ऑब्वियसली द अपकमिंग PlayStation 5. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच.